हेलो एवरीवन, सो आज है 29 सितंबर और आज का दिन मेरा बहुत बिजी रहने वाला है, मुझे खुद पहले से पता है, क्योंकि मुझे जाना है बाहर। और मुझे पता है जब भी मैं बाहर जाती हूँ घर से तो मेरा जो दिन है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, मतलब टाइम का बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता। तो एक तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि मेरे पैर में जो हील पेन है वो बहुत हो रहा है, तो मेरे टेस्ट वगैरह भी कराए थे तो उसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना है। और भी काम है जो कि मैं बाद में आगे बताऊंगी। फ़िलहाल तो सुबह आज ये मॉम ने ब्रेकफास्ट में बनाई थी आलू की पूरी, मुझे पसंद नहीं, मेरे भाई को बहुत पसंद है, हमेशा पीछे पड़ रहता है तो इसलिए बनाना पड़ता है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, लेकिन खाना तो था ही। तो मैंने लिया आलू की पूरी और उसमें जो भी ऑयल था मैंने मॉम से कहा था कम ऑयल डालें, और मॉम ने कम ऑयल डाला था, उसके बावजूद मैंने उसका ऑयल टिशू से सोख कर लिया। देन फिर ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं तैयार हुई बाहर जाने को। तो बाहर जब भी मैं जाती हूँ तो वो ख्याल रखती हूँ कि मैं कुछ लगाऊँ या ना लगाऊँ, पर अपने फेस पे मैं सनस्क्रीन और काजल तो हमेशा अप्लाई करती हूँ। तो मैं रेडी हुई, अपना पहले मैंने बाल झाड़े, बाल झाड़ने के बाद मैंने काजल लगाया। काजल पहले मैं सुरमा लगाती थी बट अभी मैं काजल पे शिफ्ट गई हूँ, तो मैं कभी लाइट कभी डार्क जैसा भी मेरा मूड हो उसके अकॉर्डिंग मैं काजल लगाती हूँ। और बाल मैंने अपने पहले ही झाड़ लिए थे क्योंकि मेरे बाल बहुत कर्ली हैं, तो हमेशा क्या होता है अगर मैं खोलती भी हूँ अपने बालों को तो बिल्कुल वो ऐसे लगते हैं जैसे कि मैंने उनको ठीक ही नहीं किया। तो मैं अपने बालों को ज़्यादा से ज़्यादा या तो मैं पोनी कर लेती हूँ, नहीं पोनी नहीं, एक्स्ट्रा मैं क्लेचर लगा लेती हूँ और छोटी कर लेती हूँ। हमेशा मुझसे सही छोटी बनती नहीं है, सही छोटी एक्चुअली मुझे बनाने नहीं आती, मॉम बनाती हैं, लेकिन मॉम भी बिज़ी थी तो और ठीक नहीं लगता मॉम से बार बार कुछ भी कहना इतना काम। तो मैंने अपने बालों में बालों को फोल्ड कर लिया और फोल्ड करने के बाद मैंने उस पर क्लच लगा लिया, यही सबसे सही रहता है। लेकिन एक चीज़ है, अगर मैं क्लच लगाती हूँ ज़्यादा टाइम तक, मतलब 3-4 घंटे, तब मेरे सर में भी दर्द होता है, तो ये भी ठीक नहीं है क्योंकि क्लचर से आपके बाल थोड़े वीक भी होते हैं, जो रूट्स हैं थोड़ी वीक होती हैं, तो क्लचर भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जल्दी में जब मैं होती हूँ तो क्लचर ही लगा लेती हूँ। उसके बाद मैंने अपने फेस पे अप्लाई की सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ। सनस्क्रीन मैं सिर्फ फेस के अलावा अपने नेक और हैंड पे थोड़ा और लिप को भी फेस क्रीम से कवर करती हूँ ताकि जो भी ये मेरी स्किन है जो भी सन के एक्सपोजर में आए वो बिल्कुल प्रोटेक्ट रहे, बिल्कुल नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रोटेक्ट हो ही जाती है। तो मैं वैसे तो कोई भी पहले सनस्क्रीन लगा लेती थी, लेकिन अभी मैं थोड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ी हूँ तो मैंने ऑर्गेनिक कंपनी की ऑर्गेनिक सनस्क्रीन ली जो कि बहुत अच्छी है। एक्चुअल में ये महंगी भी है और बहुत अच्छी भी है। तो मैंने सनस्क्रीन अप्लाई की और थोड़ी सी मैंने लिपस्टिक, थोड़ी सी मतलब लाइट सी मैंने लिपस्टिक अप्लाई की, उसके बाद मैं चली गई। तो जैसे कि मुझे लेट हो ही रहा था, मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई थी, लेकिन जब लेट होता है तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपको हमेशा और ज़्यादा लेट होता ही है। आप कुछ भी कर लें आपको लेट होना मस्ट है, और वो किसी ना किसी वजह से लेट हो गई। तो मैं बाहर निकली तो मेरी गाड़ी का ये टायर पंचर, और उसकी वजह से मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, बनवाना पड़ेगा उसके बाद ही जा सकते हैं। इसको बनवाने में कम से कम 30 मिनट लगा, देन कैसे तैसे ये बन गया और मैं पहुँची अपने डॉक्टर के पास। वहाँ पर मेरा जो भी रिपोर्ट वगैरह थी वो मैंने दिखाई और मेडिसिन वगैरह ली। उसके बाद क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे 2 घंटे वहीं पर वेस्ट हो गया, भूख भी लगने लगी थी मुझे काफ़ी। तो जब मैं वहाँ से निकली तो उसके बाद ये शेक की जूस की दुकान है, तो मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर शेक पी रही हूँ, तो इनके जो शेक होते हैं ना अच्छे होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने एक शेक लिया, आज का जो ये शेक था ये बनाना और एप्पल का, नो सॉरी, बनाना एंड पाइन एप्पल का था, तो अच्छा था। और उन्होंने जो आइसक्रीम है वो स्ट्रॉबेरी की डाली। आइसक्रीम आप कोई भी शेक पे यहाँ पर बोलेंगे तो वो आइसक्रीम अपनी मर्ज़ी से चेंज करके डाल देते हैं। तो मैंने फिर बनाना और पाइन एप्पल शेक के साथ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को इन्जॉय किया। देन उसके बाद हमने ये फ्रूट लिए क्योंकि ये फ्रूट हमें बांटने थे, मतलब कभी भी कुछ भी हमेशा गरीबों में बांटना चाहिए, चाहे अगर आप खाना दे रहे हैं या पैसे दे रहे हैं, वैसे पैसे की जगह कुछ खाना देना ज़्यादा बेटर रहता है। तो हमने फ्रूट लिया और इसके अलावा भी बहुत कुछ, जैसे बांटने में मिठाई वगैरह भी बांटी जाती है, तो हमेशा कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं, मतलब जब भी बांट सकें। तो उसके लिए फिर हमने ये आज बनाना ले लिया, अचानक से बनाने का प्लान आ गया। बनाना वाले जो ठेले वाले थे वो जा रहे थे तो हमने देखा बनाना है तो अच्छे थे तो हमने वो ले लिए। उसके बाद हम आगे बढ़े तो ये रहा बनारस, बनारस की सड़कें जिसपे लोगों के साथ साथ बहुत से जानवर ऐसे फिर रहे होते हैं जैसे गायें वगैरह,
क्योंकि इनको भी डिस्टर्ब होता है, जो भी जानवर होते हैं, और इंसानों को भी डिस्टर्ब होता है। बहुत सी मैं देखती हूँ जानवरों को जो बहुत ना ख़राब हालत में होते हैं, मतलब उन्हें चोटें लगी होती हैं और कोई पूछता भी नहीं है, तो और रास्ते में रहते हैं ना ये लोग, तो इनको भी चोट वगैरह आती रहती है। तो इस तरह से इनको नहीं होना चाहिए, म्यूनसिपल वालों को कुछ करना चाहिए। तो बनारस का कुछ एरिया बहुत अच्छा है, जैसे ये एरिया, ये रहा होटल ताज का एरिया जो कि कैंट का एरिया है, तो काफ़ी बड़े एरिया में होटल ताज बना हुआ है और काफ़ी अच्छा इसका बाहर से लुक है, मतलब मैं फ़िलहाल अंदर तो नहीं गई हूँ लेकिन बाहर से मैंने देखा अच्छा है। देन ये है छापनी परिषद जो कि हम आगे बढ़े थे, तो ये सारा वो एरिया है। ये रहा टेस्ट किंग, जो कि एक्चुअल में मैं एक टेस्ट किंग की कहानी बताती हूँ। एक्चुअल में जो टेस्ट किंग का नाम है वो है, वो था बर्गर किंग। बर्गर किंग बचपन से ही, जब मेरे बचपन से ही मैं बर्गर किंग सुनती आ रही हूँ। बनारस में बर्गर किंग बहुत फेमस था, जो टेस्ट किंग का नाम था ओरिजिन वो बर्गर किंग से ही था। बट लेकिन एक्चुअल में जो अमेरिकन ब्रांड है बर्गर का, उसका नाम है बर्गर किंग। तो जब वो अमेरिकन ब्रांड बनारस में भी आया, तो क्योंकि वो काफ़ी पुराना ब्रांड था अमेरिका का, तो जब बनारस में भी आया तो क्योंकि बनारस का ये लोकल बर्गर किंग जो था उनको अपना नाम चेंज करना पड़ा ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न कम हो, बहुत कन्फ्यूज़न हो जा रही थी लोगों को। तो फिर उन्होंने टेस्ट किंग वालों ने अपना नाम बर्गर किंग से टेस्ट किंग कर दिया। ये उसकी कहानी थी जो कि मुझे याद है तो मैंने शेयर कर दी। उसके बाद मैं आगे बढ़ी, तो ये है कचहरी का एरिया। कचहरी जो कि कोर्ट वगैरह का एरिया है, हमेशा ही यहाँ बहुत भीड़ रहती है, हमेशा जब भी आओ ट्रैफिक मिलती है। और इतना ख़राब यहाँ का रूल है, मतलब रोड पर चलने की जगह छोड़कर लोगों ने अपनी बाइक और सारी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, मतलब हाफ जो रोड है वो पूरी गाड़ियों से ही भरी रहती है। ना पुलिस कुछ करती है, ना वकीलों को कुछ कहना है, मतलब सब उसी में खुश हैं। ट्रैफिक लग रही है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी रहती हैं। उसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे जहाँ हमें चीज़ें बांटनी है। डेस्टिनेशन ये कार्यालय नहीं है, ये है जहाँ गरीब लोग रहते हैं। तो किसी के भी आसपास, मतलब जैसे हम, मेरे घर के थोड़ा पास है ये एरिया जहाँ ये लोग रहते हैं गरीब लोग, तो हम यहाँ जाते हैं। वैसे भी अगर कोई भी जगह हो अदर भी, तो वहाँ जाकर गरीबों को दे देना चाहिए, कोई भी गरीब हो। तो जैसे हम यहाँ आ गए, पहले भी आ चुके हैं, तो जो बनाना हम लेकर आए थे तो हमने यहाँ सब में बांटा। और सिर्फ हम ही नहीं, मतलब मैं देखती हूँ कि बहुत सारी जगह पे बहुत लोग आते हैं और लोगों को चीज़ें बांटते रहते हैं। मैक्सिमम मैं देखती हूँ खाने की चीज़ें बांटते हैं और वही ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं। जैसे आज भी बहुत से लोग पैसे के लिए कह रहे थे, लेकिन हम क्योंकि ये चीज़ें लाए थे उनके लिए, तो हमने कहा कि आप जो खाने की चीज़ें हैं वो रखिए। उसके बाद हम निकले और वापस अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। ये कुछ एरिया बनारस का जो अच्छा है, लेकिन बहुत ट्रैफिक रहती है, ट्रैफिक को ठीक करना चाहिए। और क्योंकि आई थिंक दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, तो उसके लिए पंडाल लगा हुआ है। बनारस में हर जगह ही पंडाल लगते हैं, मतलब बड़े बड़े वो पंडाल, क्या बोलूँगा, मतलब टेंट बड़े बड़े होते हैं, उनको अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, अंदर मूर्ति वगैरह रखती है। और मतलब मुझे तो याद है बचपन में मैं घूमी थी, बड़े होने के बाद तो मैं कभी गई नहीं, लेकिन अंदर मूर्तियाँ रहती हैं और लोग जाकर विज़िट करते हैं, तो यही होता है पंडाल। और पंडाल की वैसे जैसे रोड पे लगते हैं पंडाल, तो जब भी पंडाल लगते हैं तो काफ़ी रोड पे भी जगह कम पड़ जाती है, लेकिन हमेशा मैं बचपन से देखती आई हूँ कि पंडाल का ये सिस्टम है। तो बचपन में तो मैं घूमी हूँ, लेकिन अब घूमने का सिस्टम कम हो गया है। तो ये सामने ही, पंडाल के सामने ही ये एक मिठाई की दुकान है जो कि काफ़ी अच्छी है इस एरिए की। ये खाने यहाँ भी मैं बचपन से आ रही हूँ, तो यहाँ मैं आई और मुझे कुछ मीठा खरीदी हो रही थी, तो मैंने यहाँ से एक गुलाब जामुन लिया। इनकी सारी मिठाई बहुत अच्छी होती है और बहुत फ्रेश होती है, मतलब जितनी भी ये मिठाइयाँ बनाते हैं तो ये डेली की डेली इनकी बिक जाती है और फिर इनको दूसरे दिन फ्रेश बनानी पड़ती है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब भी आप फ्रेश चीज़ें किसी को भी सर्व करते हैं तो काफ़ी वो याद करता है और दोबारा भी आपकी शॉप पर ज़रूर आता है। तो इनकी दुकान की ये सबसे अच्छी बात है कि हमेशा डेली जो मिठाइयाँ चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल फ्रेश होती हैं। ये गुलाब जामुन भी काफ़ी फ्रेश था, तो मैंने गुलाब जामुन खाया। और वैसे मुझे थोड़ा मीठा लगा इनका आज का गुलाब जामुन, बट क्योंकि मैंने एक ही खाया था तो ठीक था, चल गया। तो ये गुलाब जामुन मैंने खाया और उसके बाद मैं घर आ गई। तो मैं घर आ गई हूँ और शाम का बज रहा है कितना, 6:30 हो रहा है, मतलब मुझे आए हुए थोड़ा आधे घंटा हो गया, मैं 6 बजे तक घर आ गई थी और मैं इतना थक गई हूँ, मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं अगर बाहर सारा दिन रहती हूँ तो मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, शायद इतनी ट्रैफिक, इतनी भीड़ की वजह से, क्योंकि बनारस में बहुत ट्रैफिक होती है। बनारस ट्रैफिक का ही शहर हो चुका है मुझे लगता है, कहीं भी कोई भी इंतज़ाम सही से नहीं होता।
जहाँ भी लोग का मन करता है इधर से कभी कोई निकल जाता है, उधर से कभी कोई निकल जाता है, रोड पे भी जहाँ भी जिसको चलना होता है वो कहीं से भी गाड़ी के सामने आ जाता है, मतलब कुछ भी मैं क्या ही बोलूँ। और बनारस में ये भी है कि बेमतलब का बहुत ज़्यादा, आप कहीं भी चल रही है तो भी हॉर्न पे हॉर्न लोग देते रहते हैं, कहीं भी आप चलते रहिए। उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर की वजह से मेरी आँखों में भी दर्द हो रहा है। मैंने अभी चश्मा लगा के रखा है लेकिन मैं अपनी आई ड्रॉप अभी आँखों में डालूंगी ताकि जो मेरा आँखों में भी पेन है वो थोड़ा कम हो, सर दर्द तो हो ही रहा है। और ये मैंने अपनी रखी है चाय, तो मैं चाय पीऊँगी, ढेर सारी चाय है मेरे पास, तो चाय तो मस्त है, मैं हमेशा चाय पीती हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो घर आई तो ये चाय बना के दी मॉम ने मेरी, तो ये अब मैं पीऊँगी और अब और कुछ नहीं करूँगी मैं, बस अब पढ़ूँगी और ये जो अपना है ब्लॉग थोड़ा एडिट कर लूँगी बस, उसके अलावा तो कुछ नहीं करूँगी। भूख भी मुझे बहुत लगी थी तो मैंने थोड़े से चावल खाए, अब रात को मैं कुछ खा लूँगी। वैसे तो बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, मुझे लगता है शायद चाय से आराम मिल जाए, वैसे शायद सोने से कम्प्लीट आराम मिले। तो ये था मेरा पूरा दिन जो कि बहुत बिजी था और हेडेक भी हो गया है। सो थैंक यू, बाय बाय।